बलरामपुर जनपद के सदर नगर पालिका के अंतर्गत मोहल्ला खलवा वार्ड नंबर 3 में काफी दिनों से नाली नालों की साफ सफाई एवं कूड़े का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। वार्ड नंबर 3 से उपेक्षित जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि काफी दिनों से नाली नाले की सफाई नहीं की जा रही, ना ही टूटे हुए नाली सड़कों की मरम्मत अथवा निर्माण करवाया जा रहा है। मोहल्ले के स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर पालिका के अध्यक्ष पद चुनाव के दौरान प्रत्याशी धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू ने मोहल्ले वासियों से कहा था कि अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष का पद जीत जाता हूं तो अध्यक्ष का पद संभालते ही मोहल्ले में नाली नालों का निर्माण करवाऊंगा एवं अच्छे आवागमन के लिए सड़कों का भी निर्माण शीघ्र ही करवाऊंगा। लेकिन कोरे आश्वासन से वार्ड नंबर 3 के निवासी दुखी हैं। उनका कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर बैठने के बाद भी अभी भी मोहल्ले में कोई निर्माण संबंधित प्रगति नहीं हुई है। 2.5 सालों से ये नाली जो है ये पूरी तरह गिर चुकी है, तो इसका जो है फिर मेंटेनेंस हुआ नहीं। लोगों से कहा भी गया। किससे कहा आपने? ईओ से कहा, बहुत से लोगों से कहा। और उससे में किसने कहा? और जो है महोदय जी से कहा, अध्यक्ष जी से उनको दिखवाया। तो इसका अध्यक्ष जी से क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा हो जाएगा निर्माण। तो निर्माण हो जाएगा कब कहा था उन्होंने? काफी समय हो गया, चुनाव के समय कहे थे कि करा देंगे। अच्छा, चुनाव के समय में? हाँ, उसके बाद से फिर कोई दिखाई नहीं दिया यहाँ पे। अच्छा, कोई नहीं आया फिर? कोई पूछने वाला? सफाई उफाई करने आते हैं? कोई सफाई करने भी नहीं आता है। नाले की सफाई 3 साल हो गया, अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। अरे, टूटे हुए भी 3 साल हो गया, पिछले बाढ़ में टूटा था ये, और अभी तक? अभी तक कोई पूछने वाला नहीं है। एक सरकार चली गई, दूसरी आ गई, वो भी कोई सुनने वाला नहीं है। ईओ साहब से आप मिले थे? ईओ साहब के यहाँ अप्लीकेशन भेजा गया था। हाँ। अध्यक्ष साहब के यहाँ भी अप्लीकेशन गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इलेक्शन में इसी के रास्ते से चल के वोट भी मांगा गया है। इसी के रास्ते से जो है सब लोग जाते थे, जितने नेता थे। साइड में गाड़ी यहाँ खड़ी होती थी, बड़ी इमली के मंदिर पे। मंदिर के बाद इधर से जाके जो है वोट भी की मांगी पूरे उसमें डिपो में। लेकिन अब सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन यह है कि हो जाएगा, हो जाएगा। काम नहीं कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है। अब सफाई देखिए नहीं हुई, सब नाले में देखिए अभी सब पड़ा हुआ है, कचरा पूरा दीवार के पीछे चले जाइए, पूरा बाइक से अगर कोई जाए तो गिर भी सकता है। अगर एक भी ईटा सरक जाए तो सब जाके नाली में डूब जाएगा। समस्याएं दूर हो जाए और क्या है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।